जैसी ब्राह्मण लड़की मुझे रोहन के लिए चाहिए थी, उसी लड़की को मैं इस घर की छोटी बहू बनाना चाहती हूँ। क्या हुआ, विश्वास नहीं हो रहा ना कि तुम्हारे घर में पली लड़की इतने बड़े घर की बहू बन सकती है? लेकिन विश्वास कर लो, जो तुम सुन रहे हो वो सच है। मैं तुम्हारी मानी हुई बेटी राधिका को इस घर की क्षमा करना राजपुरोहित, हम राधिका का ब्याह नहीं कर सकते। आपका ये रिश्ता हमको मंजूर नहीं। क्या हंसाराम, तुम्हें सुना नहीं, मैं तुम्हारी बेटी को इस घर की बहू बना रही हूं और तुम मना कर रहे हो? होश में हो? तुम इस रिश्ते को ठुकरा रहे हो? इस रिश्ते को? तुम हो कौन? एक मामूली सा जुलाहा। हम मजबूर हैं राजपुरोहित जी। जब तुम्हारी बेटी पर अग्नि कलश को अपवित्र करने का आरोप लगाया गया था, तब तुम ही थे ना जो रो रो कर कह रहे थे कि मुझे क्षमा कर दो, ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। मंसरा, मैंने तुम्हें यहाँ तुम्हारी आज्ञा मांगने के लिए या अनुमति मांगने के लिए नहीं बुलाया, तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए बुलाया है कि तुम्हारी बेटी राधिका इस घर की छोटी बहू बने। एक पिता के लिए ये कितनी बड़ी दुविधा है, इतना अच्छा रिश्ता और मुझको ना करना पड़ रहा है। पता नहीं कौन काम से बुला लिया राजपुरोहित जी ने, झाड़ू लगाने में घंटा भर लगता है कातो को। माँ हो गया है तो ये सब कौन सा मिटेगा, कोई भूत आवेगा का? मैं करती हूँ माँ, करती हूँ। जाने अब कौन सा बवंडर आने वाला है। माँ कुछ बुरा नहीं होगा, हो सकता है बाबू को किसी अच्छे काम के लिए बुलाया हो, वो चैत्र पूजा के दुपट्टे बनवाने हो। जब से तू ही घर में आई है ना, मोको तो ना याद कुछ अच्छा हुआ हो। और तो और, मोरी मोरी चंदा का ब्याह भी ना हो पाया। वो कितना अच्छा रिश्ता था अम्मा, आपको पता है उस लड़की के पास मोटरसाइकिल थी, कितना खुश रहती मैं उस घर में, सब इसकी वजह से। चंदा तुझे ना इससे भी अच्छा रिश्ता आएगा, भरोसा रख। किसका भरोसा करूँ, तेरा? समय का, समय पर सब ठीक हो जाएगा। बस कर, अपनी ये सीखे ना अपने पास ही रख। तुमने तो खूब इंतजार किया ना अपने सही समय का, 12 साल राह देखी उस लड़के की, कुछ हुआ नहीं ना? अरे और कुछ होने भी नहीं वाला। अरे अगर उस लड़की को तुझे ढूंढना होता ना तो कब का ढूंढ लिया होता, इतना छोटा सा तो गांव है रावल। अरे उसने तो कहीं और शादी भी कर ली होगी, देख क्या रही है, उसने शादी कर भी ली होगी और तू यहाँ बैठे बैठे इंतजार कर रही है, और तेरी वजह से मेरी शादी रुकी हुई है। बस कर ना, काहे बड़बड़ा रही है हाँ? इके ऊपर कभी कोई असर पड़ा है जो आज पड़ेगो? हमारी फिकर तो इको कभी थी ही ना, अब तो अपने बाप की भी फिकर ना करे है छोरी। अरे माँ संभल के, काज गिरे, ये काम ना कर सके ढंग से छोरी।
क्या जरूरत थी को रास्ते में रखने की? हाँ सारा पानी बह गया, अब लेने जाना पड़ेगा ना मुझको। नहीं माँ मैं जाती हूँ। एहसान ना करेगी। अब खड़ी रहेगी या जावेगी? जाए यहाँ से। अब ढूंढूंगी तो कहाँ ढूंढूं? कॉलेज तो कल से ही खुलेगा, उसके पास मथुरा आने की कोई वजह ही नहीं होगी। लगता है मुझे ही रावल जाने की कोई वजह बनानी होगी। फूंक मार कर मैंने चाय की मलाई हटा दी, इसे कहते हैं चट मंगनी और पट शादी। अच्छा सासू माँ आप गुनगुना रही हैं। आज आप बहुत खुश हैं। मेरे रोहन की शादी है। अरे देव इतना काम पड़ा है यहाँ पे, कहाँ चले गए थे? जी वो वहाँ मंदिर वो घाट। अच्छा चलो रहने दो, ये सारा सामान और शगुन का सामान लेके तुम्हें लड़की वालों के यहाँ जाना है। पर जीजी घर का कोई बड़ा शगुन लेकर जाए तो अच्छा होता है ना? पद्मा वो लड़की है ब्राह्मण, गुरुकुल में पड़ी है, पर है तो जुलाहे के ही घर में ना। अब उस घर में हमारे घर से कोई जाएगा तो सही नहीं लगेगा ना? हाँ हाँ सासू माँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम में से कोई नहीं जाएगा वहाँ पे। शादी के वक्त भी उन सबको यहीं बुला लेंगे, किसी धर्मशाला में रुकवा लेंगे, हम नहीं जाएंगे वहाँ बारात लेके। हाँ हम बोल देते हैं। शादी के समय क्या करना है ये हम बाद में सोचेंगे। जी जी शगुन तो उनके घर ही जा रहा है ना, मैं भी साथ चली जाती हूँ। एक झलक भर अपनी होने वाली बहू को भी देख लूं। उस दिन दिखा तो दी थी मैंने, अब और क्या देखना है? या फिर मेरी पसंद पर भरोसा नहीं है? नहीं वो बात नहीं है जीजी। अरे देव तुम्हें वहां भेजने की एक और वजह भी है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने दोस्त रोहन को बताओ कि उसके लिए जो लड़की चुनी है वो लाखों में एक है। पिछली बार की तरह वो कोई बचकानी हरकत करे वो मुझे पसंद नहीं। जी कल सुबह ही चले जाना। जी लेकिन बड़ी माँ जाना कहाँ है? रावल। रावल सच? क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, मेरा मतलब है कि रावल जाना है ना, मैं चले जाऊंगा, आज ही चले जाऊं। नहीं नहीं कल जाना। देव लेकिन पूरी तैयारियां कहाँ हुई है? हाँ, अच्छा ठीक है। हाँ, रावल जाना ना, मैं चले जाऊंगा। ओके Thank you.
चल पड़ी जाने कैसी नगर में सच से अंदर में खबर में चल पड़ी जाने कैसी नगर में सच से चले आई सारा जग छोड़ मैं खड़ी तन्हा आज इस मोड़ में अब सच के बांध देना ये बंधन खुलना नहीं चाहिए ठीक है रोके सपनों की राहें कहीं दे जाए ना धोखे दिल की बात बता दे भाग गया छोरा घर में तो पैर टिके ही ना है के अरे तुम आएगा काहे बुलाया था राजपुरोहित ने बोलो चंदनिया पानी लेके आ पापा के लिए इतने परेशान काहे हो बताओ ना क्या हुआ बुझाओ बलना बुझाओ मुझको डर लग रहा है बताओ ना का उन्होंने का हुआ बताओ ना बोलोगे कुछ बाबा पानी अरे बोलो ना का हुआ कुछ ठीक ना होएगा छेनू की अरे बात बताओगे हुआ का है राजपुरोहित जी ने राधिका के लिए रिश्ता भेजो राधिका के लिए कौन सा रिश्ता कैसा रिश्ता राधिका को अपने घर की छोटी बहू बनाना चाहती अब क्या कह रहे हो बाबा राधिका के लिए इतने बड़े घर से रिश्ता है तुमने ठीक से तो सुनी थी ना
उन्होंने यही बात बोली थी। अरे इसमें रोने वाली कौन सी बात है, ये तो अच्छी खबर है। चंदा समझाना, समझाना अपने बाबा को। अरे ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, तू समझ रही ना बेटा, इतने बड़े घर में तेरी बहन का ब्याह होने वाला है। समझा अपने बाबा को, समझ रही ना मेरी बात। क्या कह रही है छेनू की माँ, मैं राधिका के लिए कोई बड़े रिश्ते की राह नहीं देख रहा, मैं राह देख रहा उस छोरे की जिसके साथ राधिका का ब्याह हुआ है बचपन में। मुझको राज पुरोहित एनजी को बताना ही पड़ेगा, राधिका का ब्याह हो चुका है, तो सुहागन है। खाज गिरे, अब बस भी करो। परिचय सम्मेलन में बदनामी करा के चलना पड़ेगा तुमको, जो अपने हाथ से ढिंढोरा पिटना चाहते हो कि राधिका सुहागन है। हाँ समझने की कोशिश करो छेनू के बापू, इतने बड़े घर में रिश्ता होवेगा तो हमारे परिवार की नाक भी तो ऊंची होगी। और फिर तुमने पंचायत के सामने 16 संस्कार देने का वादा किया राधिका को, तो देखो ना ब्राह्मण क्या महाब्राह्मण के घर से छोरे का रिश्ता आया है। अब के पिछले ब्याह को भूल जाओ ना। कैसे भूल जाऊं छेनू की माँ, ये ब्याह राधिका के जीवन का सबसे बड़ा सच है। जन्म जन्म के बंधन में बन गई है राधिका उस दिन माँ, इतने बड़े शुभ दिन माँ राधिका का ब्याह हुआ है, कान्हा ने करवाया है ये ब्याह। कान्हा जी ने करवाया है तो फैसला छोड़ दो ना उन पर, अगर वो चाहेंगे तो वो ब्याह को बचा लेंगे, वो चाहेंगे तो ये रिश्ता रहेगा, ना चाहेंगे तो ना रहेगा। एक काम करो, बैठो बैठो छेनू के बापू, आराम से सोचो, अगर वो रिश्ता कान्हा जी की मर्जी से हुआ है तो ये नया रिश्ता टूटना ना टूटना वो भी कान्हा जी पर ही है, सौंप दो ना सब कुछ उन पर। भाग को बदलने की कोशिश काहे कर रहे हो, हम सब भगवान के हाथ की कठपुतली है, उनके विरुद्ध जाएंगे तो अधे मुंह गिरेंगे। कान्हा जी को तय करने दो ना कि राधिका की जोड़ी किसके साथ बननी है, उस छोरे के साथ जो बचपन में साथ फेरे लेके उसको छोड़ के भाग गया, या इस राजकुमार के साथ जिसका रिश्ता आप ही अपनी ढूरी तक चल कर आया है। अरे चंदा सुन ना बिटिया, देखो छेनू के बापू, राधिका के साथ साथ आपने अपने घर के भले की बात भी तो सोचो ना, हो सकता है जो इतने सालों से हम मान रहे हो बात हुई ही ना, वो छोरे के साथ दूसरे साथ फेरे लिए ही ना। तुम अभी तक अपनी बात मानवाते रहे हो ना, एक बार बस एक बार मेरी बात मान लो, हाँ बस एक बार। बाबा बाबा आप आ गए, बिटिया स्वागत। मैं रख दे बाबा, आपको राजपुरोहित जी ने क्यों बुलाया था? अरे बैठा तो ऐसे ही डांट रही थी, तेरी वजह से कुछ भी गड़बड़ ना हुआ है, उल्टे सब अच्छा ही हुआ है। सच? क्या अच्छा हुआ बाबा? अब बिटिया मैं बताती हूँ ना, चंदा के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। यदा यदा ही धर्मस्य ज्ञाने भवति भारतम् अभ्युत्थानम् और लड़के वाले कल शगुन लेकर भी आ रहे हैं।